यार एचपी में ही अपने को आना पड़ा लास्ट में फाइनली, क्योंकि भाई मतलब इधर ना सिर्फ भारत पेट्रोलियम है और फिर एचपी है, इंडियन ऑयल है ही नहीं। और फिर दो छोटा छोटा सा है, सारा अपना वेज ही है, कोई नॉन वेज अपन लोग नहीं खाते इसी कारण से वेज ही है। और ये अपना फ्राइज और ये अपना 3 कोक। अभी अपन लोग एग्जिट कर चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और फिर इधर से ना आप लोग सामने की साइड देख सकते हो, लाइक इधर सामने चले जाएंगे ना तो वो लखनऊ की तरफ चली जाएगी और फिर उधर की साइड मोहान की तरफ चली जाएगी। देख सकते हो दोबारा अपने को रिटर्न आनी पड़ी ना, क्योंकि गाइज मतलब उधर ना पेट्रोल पंप कोई भी नहीं था, तो अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस से बैक रिटर्न आके अपन लोग इधर एचपी से पेट्रोल लिए, क्योंकि भाई मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे शो कर रहा था। आज अभी अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एक जगह रुके हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतजाम। भाई बिहार में और फिर ट्रैक्टर ना दिखे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा बिहार है भाई। सोच रहा था ना कि भाई बिहार में मतलब अपना टोल प्लाजा सबसे कम है, लेकिन भाई मैं ना छपरा से क्या बोलते ना जब याम आया ना, जहाँ पे बहुत ही फेमस यहाँ मछली और चावल के नाम से प्रसिद्ध है, बट आप लोग देख सकते हो 25,025 किलोमीटर हो रखा है और अभी 6 बजे। और दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो आप लोग, अभी अपन लोग कार में हैं और फिर अभी अपन लोग दिल्ली में, और फिर दिल्ली से अपन लोग बिहार जा रहे हैं, वो भी गाइज मतलब बोले ना तो अभी अपन लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं बाई रोड। तो अपन लोग अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बजने को है, और फिर इस टाइम अभी अपन लोग निकल रहे हैं। तो अभी अपन लोग जेपी मॉल के पास है, लाइक सामने की साइड मॉल है, और अभी अपन लोग ये वाला एसटी कार्ड लेके आए। लाइक ये वाली कितने का पड़ी है वो मैं आपको जब ड्रोन अपन लोग फ्लाई करेंगे ना उस टाइम बताएंगे। 23,935 किलोमीटर लाइक अपन लोग स्टार्ट किए हैं, 23,920 किलोमीटर के आसपास से स्टार्ट किए हैं और अभी 35 हुआ है, 320 किलोमीटर और चलेगी। पेट्रोल फुल टंक अपन लोग करवा लिए और फिर ये टाइम देखो 6:50। तो गाइस अभी अपन लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ आ चुके हैं, लाइक देख सकते हो इधर से अपना ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हो चुकी है, और उधर से सामने जाओगे ना तो ग्रेटर नोएडा सामने देख रही है, प्लस परिचौक उसके सामने। और इस वाले रूट में ना अपन लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर चुके, बट उससे गाइस यमुना एक्सप्रेस वे पे एंट्री ले चुके हैं। लाइक अब जो मेन नीचे की ओर जाएंगे ना उस सामने की साइड, वो मेन यमुना एक्सप्रेस वे है, बट इसको ही बोल सकते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। लेकिन अभी देखो यहाँ से प्लस यहाँ पे सारे लोग देखो कैसे वेट करते हैं, बस का वेट करते हैं या फिर 4 व्हीलर जो भी आ जाए उससे चले जाते हैं, लोकल लोग है सब। और फिर यहाँ से अपना स्टार्ट होती है गाइस यमुना एक्सप्रेस वे। इसके पहले वाले वीडियो में ना मैंने शायद आप लोगों को दिखाया होगा यमुना एक्सप्रेस वे का कुछ सीन, लेकिन ये वाला सीन देखो गाइस काफी भयानक और काफी मस्त वाला लग रहा है। ये वाला यमुना एक्सप्रेस वे देख रहे हो, आपको दिख रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो मैंने जूम कर दिया, नहीं दिख रहा होगा, नाइट का टाइम है ना, अभी मैं आगे जाके दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस ये देख सकते हो ये यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है ऐसा करके लिखा हुआ दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो ये अपना यमुना एक्सप्रेस वे, और फिर यहाँ पे देखो ना तो सामने रेस्टोरेंट है, क्योंकि अपने को लगी है भूख और कुछ अपने को बर्गर पिज्जा सब कुछ खानी है, सौम्या को भी खानी है। और इधर सामने की साइड चले जाओगे ना तो मथुरा आगरा ये सब सारा कुछ होते जाओगे, तो अपने को भाई जानिए पहले यहाँ से एग्जिट करनी है, उसके बाद आगे जाके कुछ और भी काम है वहाँ पे कुछ करेंगे, उसके बाद पहले यहाँ से खाते फिर यहाँ से निकलते हैं गाइस। और अभी बस यहाँ से पहले जाते खाते पीते उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से अंदर जाओगे ना तो डोमिनोज आपको मिलेगी, बर्गर किंग मिलेगी, बरिस्टा मिलेगी सारा कुछ। तो अभी चलते बर्गर किंग के पास, क्योंकि बर्गर खानी है मेको और सौम्या दोनों को, तो अपना 4 व्हीलर है वहां से लेके आ रहे हैं, फिर मैं और सौम्या बर्गर खाएंगे। तो यहाँ से चलते आगे की साइड फिर बर्गर खाते गाइस। गाइस अभी अपन लोग एंट्री ले चुके हैं, लाइक सामने की साइड देख सकते हो यहाँ पे स्टारबक्स है उस तरफ, और फिर उससे आगे जाओगे तो अपना रेस्टोरेंट ये सब है, क्योंकि स्टारबक्स आपको पता होगा कॉफी के मामले में कितना ही फेमस है। और सामने वाला देख रहे हो भाई ये कौन सा गाड़ी है यार, भाई साहब ये तो लग रहा है मिनी कूपर है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा कार है आप लोग बताना गाइस। सो फाइनली गाइस अपना कार हो रही है पार्किंग, और फिर ये वाली कौन सी कार है ना प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके जरूर बताना कौन सी कार है। मेरे को लग रहा है ना जो मैंने बोला था ना मिनी कूपर वही लग रहा है, बट वो है या फिर नहीं है ये आप लोग देख के बताओ। सिंबल क्या चीज का है? हाँ वही है मिनी कूपर ये गाइस, ये देख लो सिंबल
मैं ना देख के बता दिया था ये मिनी कूपर है, तो मिनी कूपर यहाँ पे, और फिर अपना कार यहाँ पे हो चुकी है पार्किंग, और अभी अपन लोग चलते उधर की तरफ, इधर जो भी वॉशरूम सब है ना यूज कर लेंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि भाई डिस्टेंस काफी ज्यादा तय करनी है ना। और फिर ये देखो मिनी कूपर गाइस, देख सकते हो ये अपना आ चुका है अपना बोपर, दो बोपर है बड़ा वाला और फिर दो छोटा छोटा सा है, सारा अपना वेज ही है, कोई नॉन वेज अपन लोग नहीं खाते इसी कारण से वेज ही है। और ये अपना फ्राइज और ये अपना तीन कोक, लाइक ये सौम्या को देख रहे हो सामने के साइड, और फिर ये मेरा बोपर बड़ा वाला, एक सौम्या का बोपर और फिर एक छोटा सा क्रिस्पी है अपना बर्गर, और दो छोटा वाला बोपर है, मतलब कितना बड़ा वाला बोपर खा रही है। और बाइट देखो कैसे लेगी, एकदम छोटा छोटा सा बच्चा है, और बाइट देखना इसका, एकदम प्यारा सा बाइट मारेगी, देखो अभी बाइट लेके दिखाता हूँ। ये भाई सब देख रहे हो कितना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा बाइट मार रही है यार। आज अपना हो चुका है ब्रेकफास्ट, जो भी नाइट डिनर अपना बर्गर ये सब का हो चुका है, और अभी हम लोग आज यहाँ से निकलते हैं और अभी अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं गाइस, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो जर्नी भी जल्दी से तेज मतलब तय करना पड़ेगा। तो अभी अपन लोग कार में आ चुके हैं और फिर अभी अपन लोग जल्दी से कार में बैठते हैं और फिर अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं गाइस कंटिन्यू, क्योंकि भाई डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना। तो गाइस अभी अपन लोग पहला टोल प्लाजा आ चुके हैं और यहाँ पे गाइस ब्रेकर, भाई मतलब क्या सीन है यार, स्लोली ब्रेकर, और सामने की साइड देखो ना, तो अपना फर्स्ट टोल प्लाजा जो कि यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा है, मैं 35 बोल रहा था ना शायद, 135 किलोमीटर अराउंड और होगा, उसके बाद ये एक्सप्रेसवे एग्जिट कर जाएंगे अपन लोग यमुना एक्सप्रेसवे। और अभी अपन लोग टोल टैक्स क्रॉस कर चुके हैं और इधर के साइड देखो ना, तो कुछ ऐसा सीन जा रहा है लाइक सारे फोर व्हीलर ऐसे जा रहे हैं, और अभी अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस वीडियो में, बस कंटिन्यू बने रहते हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। प्लस ऐसा है ना कि भाई मतलब फर्स्ट टाइम जो भी होगा ना दिल्ली से बिहार शरीफ जो जा रहे होगा ना, बिहार पूरा उनका फर्स्ट जर्नी देख के ना आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी कि अपने को क्या चाहिए होगा और क्या नहीं चाहिए होगा इस डिस्टेंस को तय करने में। तो बस गाइस प्लीज वीडियो में बने रहना, अभी अपन लोग वीडियो को कर रहे हैं यहाँ पे पॉज और फिर डायरेक्ट आगे एक नया लोकेशन पे मिलते हैं गाइस। फाइनली गाइस अभी अपना दूसरा टोल प्लाजा आ चुका है भाई, मतलब इधर से ना दिल्ली से आपको बिहार जाते टाइम ना कितना पैसा लगता है ना टोटल टोल प्लाजा में, वो मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा गाइस, बिहार शरीफ पहुंचने के बाद आपको सारा कुछ बताऊंगा, प्लस टोटल कितना किलोमीटर पड़ती है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपना सेकंड टोल प्लाजा है, यहाँ भी नई भी मानो तो 100 रुपए से ऊपर ही कटेगा, पिछला बार जो भी था ना पहला टोल प्लाजा उसमें भी 100 रुपए से ऊपर कटा था, यहाँ भी 100 रुपए से ऊपर ही कटने वाला है। ये देखो गाइस ये तो कट चुका आराम से मस्त वाला, और आराम से मथुरा वाला टोल प्लाजा, मथुरा का ही टोल प्लाजा ये था, ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया और अभी नेक्स्ट आ गया ना तीसरा टोल प्लाजा आने वाला है। फाइनली गाइज अपना तीसरा टोल प्लाजा, लाइक ये यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल प्लाजा है, तो जो भी दिल्ली से बिहार जा रहे होंगे ना वो इस वीडियो से ना आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है गाइज, क्योंकि ये ना यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल प्लाजा है और अपन लोग यमुना एक्सप्रेसवे इसके बाद छोड़ देंगे, कुछ ही किलोमीटर बाद छोड़ देंगे, लाइक 15 से 20 किलोमीटर अराउंड, उसके बाद या फिर 30 किलोमीटर मान लो, उसके बाद अपन लोग यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे। अभी मानो ना तो 11:04 हो रखा है और टोटल किलोमीटर देखो गाइस कितना चला है, 24,110 किलोमीटर। तो ये टोल प्लाजा है और अभी यहाँ से पहले देखते कितना यहाँ पे कटता है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करके बता देंगे गाइस कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोटल कितना कटता है जो। सो ये देखो कट गया, खुल भी चुका है और थोड़ी सी आगे जाके ना आपको बताते हैं टोटल यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा अभी तक कितना, तीन टोल प्लाजा में ना टोटल कितना रुपया कटा वो भी कैलकुलेट करके बताते हैं गाइस अभी। सो गाइस टोटल 320 रुपया, भाई मतलब मान रहे हो समझ रहे हो 320 रुपया कट गया गाइस, मतलब टोटल तीन टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेसवे पे टोटल तीन टोल प्लाजा और तीनों मिला के ना 320 रुपया कटा है। अभी इसके आगे ना गाइस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आएगी, उस पर भी देखो कितना टोल प्लाजा मिलती है, प्लस उस पर कितना पैसा कटता है ना वो भी आपको बहुत जल्द अपडेट करने वाले।
यमुना एक्सप्रेस वे अभी खत्म नहीं हुई है। लाइक यहाँ पे देखो रोड पे भाई लाइट, मतलब क्या ही भयानक वाला, क्या ही मस्त लग रहा है ना सीन, देख रहे हो क्या जबरदस्त वाला। और सामने एक साइड देखो ना तो आगरा, और उस तरफ देखो ना तो रामबाग जा रहा है लेफ्ट साइड। गाइज यहाँ से अपना लखनऊ का रास्ता स्टार्ट होता है गाइज, लाइक देख सकते हो। स्वागत है सेदु, आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो यहाँ से आप लोग इसको बोल सकते हो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बट आगरा ताजमहल आपको देखना हो ना तो वो वाली रूट से चले जाना। वो वाली रूट से जाओगे फिर आपको इस तरफ ताजमहल दिखेगी, इस तरफ अंदर जाओगे ना बहुत ही अंदर। तो बट अभी अपन लोग लखनऊ के रास्ते में आ चुके हैं और अपन लोग यमुना एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, और जो पीछे ताज थी ना वो भी छोड़ चुके हैं। देख रहे हो यार क्या ही भयानक वाला लग रहा है ना, ये देख लो गाइस सीन, इसको बोलते ना सीन, इतना मस्त वाला सीन है ना। प्लस जो अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ना उसको भाई मतलब एंट्री करने से पहले एक फिर टोल प्लाजा मिल गई, मतलब ये देख लो टोल प्लाजा 500 मीटर बाद स्टार्ट। तो अभी चलते हैं फिलहाल और फिर डायरेक्ट आपको एक्सप्रेसवे तो एंट्री ले चुके हैं बट फिर भी एक्सप्रेसवे पे ही डायरेक्ट मिलते हैं गाइस। सो गाइस ये देख लो अपना पहला टोल टैक्स स्टार्ट गाइस, और यहाँ से अपना यमुना भाई सॉरी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे स्टार्ट होती है गाइस। देख सकते हो कुछ ऐसा शुरुआत ही हो गया गाइस टोल। ये देखो कार का हाल कैसा हो रखा है, डस्ट देख रहे हो कितना। यहाँ पे ना अपना नाम लिखेंगे ना तो भाई वो भी शो कर देगा। ये देखो ये मैं अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ मिस्टर एम आर, ये हो गया जी एल डबल ओ ग्लू हो गया, और फिर ये वाई टी मिस्टर ग्लू। गाइज ऊपर के साइड देख सकते हो देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट होती है लाइक ये एक्सप्रेसवे की तरफ जाने का ये रास्ता है, और सामने के साइड वो रोड दिख रहा है वही अपना एक्सप्रेसवे है। लाइक यहाँ का जो लाइटनिंग दिखेगा ना गाइज वो देख सकते हो आप कैसा लाइटनिंग है, लाइक ऊपर के साइड से ना एकदम कर्व हो रखा है, तो भाई काफी भयानक सा एकदम लगने वाला है गाइज ये वाली एक्सप्रेसवे। तो भाई मिस मत करना यार ये वाली एक्सप्रेसवे को, बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि काफी अलग सा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो अभी मैं आपको एक्सप्रेसवे पे चढ़ता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ गाइज। अपन लोग आ चुके हैं, लाइक लाइटनिंग देख रहे हो कितना भयानक वाला लग रहा है एकदम, मतलब बहुत ही प्यारा सा लाइटनिंग लग रहा है गाइज एकदम। तो अब स्टार्ट हुआ ना लाइक देख सकते हो ये अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और ये न्यू एक्सप्रेसवे बनी है हाल ही फिलहाल में, 317 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, ऐसा बोल सकते हैं लाइक 317 किलोमीटर के आसपास का ही है। और फिर ये एक्सप्रेसवे पे ना आपको कहीं भी लाइट नहीं दिखेगी गाइस, कहीं भी नहीं। लाइक स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम तक दिखी होगी ना, उसके बाद अभी इस एक्सप्रेसवे पर ना कहीं भी आपको लाइट नहीं देखने को मिलेगी गाइस। तो ये काफी अलग सा हो जाता है, लाइक अगर कहीं पे आपको पेट्रोल खत्म हो गया ना तो भाई मतलब सोच लो यार कितना लोचा होगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए पेट्रोल का पूरा भरपाई करके आना गाइस, पूरा पेट्रोल लेके आना तो काफी बेहतर होगा। लाइक अभी अपने को ना टोटल देख लो ना तो टोटल कितना चलेगा, 440 किलोमीटर भी चलने वाली है गाइस हमारा, तो 300 से पार तो आराम से हो जाएंगे, तो अपन लोग सही तरीके से चले जाएंगे गाइस। मतलब क्या सीन है यार, मतलब 20 किलोमीटर भी चले हैं पहला टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद ना, 20 किलोमीटर टोटल चले हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, एक और टोल प्लाजा आ गया गाइस। मतलब यार यूपी तो भाई मतलब सिर्फ टोल प्लाजा से ही करोड़पति बन गया है यार यूपी, मतलब रोड बनाओ और टोल इतना लो ना यार, मतलब हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा। भाई रोड का वसूली तो भाई एक साल में ही कर लोगे, उसके बाद सारा पॉकेट में सरकार का, हमारा अपना नहीं, नेता लोग का नहीं, पता नहीं नेता लोग का भी पॉकेट में आता होगा मैं भी। भाई मतलब ये क्या यार इतना टोल प्लाजा, भाई मतलब कैसे रखते हैं, ये देख रहे हो टोल प्लाजा, यहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, ये तो कंप्यूटर सिस्टम है भाई, एक्टिवेट कर देना यार और बढ़ाऊं, ये लो बढ़ गई, अरे यार पीछे करना पड़ेगा अब। हाँ पीछे, अरे यार
भाई मतलब ये क्या बोलते हैं ना, 12 बज गया ना तो लॉक हो जाता है लोगों का सिस्टम। कैश मांग रहा था, कैश नहीं दिए तो लास्ट में ओपन कर दिया। क्या सीन है यार, कैश थोड़ी देंगे हम लोग भाई, हमारा फर्स्ट टैग है ना, तो हमारा फर्स्ट टैग है तो हम कैश क्यों देंगे। फाइनली गाइस अभी अपन लोग लखनऊ पहुंचने वाले, यहां से नहीं भी मानो तो 20 किलोमीटर के आसपास अपना लखनऊ है। और अभी अपन लोग कुछ खाने पीने के लिए रुके क्योंकि यार काफी देर रात हो चुकी है, 3:10 हो चुका है। तो गाइस इतना सारा डिस्टेंस तय किए हैं, कंटिन्यू तय किए हैं, तो अभी अपने को भूख लगी है, तो अभी अपन लोग रुके हैं यहाँ पे और फिर खाते हैं पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग कहाँ पे स्टे किए ना वो अभी हम आपको ना कैमरा से दिखाते हैं, बस वीडियो में बने रहना गाइस। जिस तक देख सकते हो हमारा कार है, वहाँ पे हमने कार लगाया, वो देख सकते हो। सो वो कार है और फिर अभी हम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए आए हैं, लाइक देख सकते हो फूड किंग प्लाजा यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से नहीं भी मानो तो 15-20 किलोमीटर होगा अपना लखनऊ। तो अपन लोग इधर स्टे कर रहे हैं, उतरे हैं, मतलब स्टे नहीं करना अपने को, बस यहाँ पे उतर के खाना पीना है, थोड़ा बहुत फ्यूल अप करवाना है क्योंकि आगे पेट्रोल पंप भी है इंडियन, उसे फ्यूल अप करवाना, उसके बाद आगे की ओर। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं लाइक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, अभी अपन लोग छोड़ने वाले हैं। और लखनऊ 11 किलोमीटर बाद ख़त्म होगी, उसके बाद अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। तो ये अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे ख़त्म होने वाली है, लाइक आगे के साइड अपना टोल प्लाजा है और टोटल 280 किलोमीटर लंबा ये भाई, मतलब टोटल ना इसको मानो ना ये एक्सप्रेस वे का लेंथ तो 280 किलोमीटर थी। और अभी एग्जिट करने वाले हैं ये एक्सप्रेसवे से, तो अभी चलते हैं टोल प्लाजा के पास। और टोल प्लाजा में ना कितना पैसा कटता है ना वो भी आपको बताते हैं टोल प्लाजा में कटने के बाद। तो और भाई कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, ये देख लो गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं कितना पैसा अपना कटता है, उसके बाद बताते हैं टोल प्लाजा में कटने के बाद। क्योंकि ये क्या बोलते हैं ना, लखनऊ और जो बोलते हैं ना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये लास्ट टोल प्लाजा है, तो इसके बाद लखनऊ जो मेन है ना वो क्रॉस होगी 11 किलोमीटर के बाद। तो अभी भाई देखते हैं, कैमरा तो यहाँ पे लगा हुआ है भाई, डिटेक्ट ले ले जल्दी से भाई, ओपन हो जा रहे भाई, बस बस बस। सो फाइनली गाइज ले लिया यहाँ पे, और अभी अपन लोग आगे की साइड जाते हैं और फिर देखते हैं कितना कटा है, उसके बाद बताते भाई टोटल मतलब 280 किलोमीटर चलने में कितना अपना टोल प्लाजा कटा है। गाइज टोटल 650 रुपया कटा है, लाइक 280 किलोमीटर चलाने का ना 650 रुपया कटा है। तो समझ सकते हो गाइस अभी जो आगे आने वाली है ना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वो 340 किलोमीटर का है, तो उसपे कितना कटेगा ना वो आप लोग खुद गेस करके बताना कितना कटने वाला है। तो अभी तो फिलहाल लखनऊ मतलब एग्जिट करने वाले हैं, नई भी मानो तो यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर होगा, उसके बाद लखनऊ एग्जिट करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एंट्री लेंगे। बट उससे पहले अपना ना पेट्रोल फिलअप करवानी है क्योंकि पेट्रोल काफी ज्यादा कम हो चुका है, बहुत ही कम, तो पेट्रोल पंप इधर कहीं मिला ही नहीं गाइज। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे ना एक भी पेट्रोल पंप अपने को नहीं मिला, एक भी नहीं, ढूंढते रह गए भाई, कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं मिला लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे भाई, मतलब इतना लंबा एक्सप्रेस वे 280 किलोमीटर का और एक जगह भी पेट्रोल पंप नहीं मिला। बस एक जगह मिला भी ना तो वो वाली बंद थी, जियो वाली पेट्रोल पंप। तो अभी चलते हैं और फिर लखनऊ में देखते हैं, क्योंकि लखनऊ में शो कर रहा पेट्रोल पंप, तो देखते हैं अगर लखनऊ में होगा पेट्रोल पंप तो पेट्रोल फिल अप करवाएंगे, उसके बाद अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ निकलेंगे। बट अगर पेट्रोल नहीं मिला तो कैसे जाएंगे गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ। बट फिर भी जाना तो पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा 4:30 और 6 बजे से पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं खुलता है गाइस। हालांकि एक्सप्रेसवे पे ना 24/7 ओपन रहना चाहिए, बट एक पेट्रोल पंप मिली भी तो वो ओपन नहीं थी। तो भाई मतलब सोचो यार क्या सीन है, बट अभी देखते हैं, मार्केट में तो 6 बजे से पहले ओपन होगी नहीं, बट हाँ एक्सप्रेसवे पे रहती है, क्योंकि भाई यमुना एक्सप्रेसवे थी ना उसमें 24/7 हमेशा ओपन रहती है, पेट्रोल पंप रेस्टोरेंट सब कुछ ओपन रहती है। बट भाई मतलब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था गाइस। तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या सीन होता है आगे, पेट्रोल मिली तो चलेंगे वरना वेट करेंगे पेट्रोल का, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे गाइस, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। जी देखो ये लखनऊ का वीआईपी रोड है, इसको ऐसा बोलते हैं वीआईपी रोड, लखनऊ में ही है तो इसको बोलते हैं वीआईपी रोड। भाई रोड देख रहे हो यार क्या ही मस्त वाला लग रहा है, लेकिन भाई पेट्रोल पंप ना मिला, लाइक देखो अभी अपना फ्यूल अप खोज रहा है भाई, पेट्रोल ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है, 4:50 हो रखा है।
और पेट्रोल पंप कहीं भी नहीं मिला। अपन लोग जा रहे हैं पेट्रोल के लिए भाई, क्योंकि यार मतलब मार्केट में देख रहे हो अगर सुबह के टाइम होगी ना तो भाई काफी ज्यादा जाम लग जाएगी। तो इधर एक इंडियन ऑयल 100 किया 1 किलोमीटर के अंदर, तो उधर ही जा रहे हैं अभी अपन लोग। और अभी 4:53 हुआ है, तो बस चलते हैं, देखते हैं यार कहाँ पे पेट्रोल मिलती है। और फिर ऊपर के साइड ना शायद मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो वाली है मे बी, या फिर पता नहीं बस ट्रक है सब, लेकिन मेट्रो वाली ऊपर की साइड लग रही है। और नीचे के साइड से अपन लोग जा रहे हैं, बस जल्दी से मिल जाए यार, सुबह का टाइम हो रखा 5 बज रखा भाई, 7-8 बज गई ना तो भाई जाम काफी गंदा वाला हो जाएगी इधर। क्योंकि यार HP में ही अपने को आना पड़ा लास्ट में फाइनली, क्योंकि भाई मतलब इधर ना सिर्फ भारत पेट्रोलियम है और फिर HP है, इंडियन ऑयल है ही नहीं। तो चलो यहाँ से ही फिल अप करवा लेते हैं, क्योंकि और भी मतलब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है ना। एक तो भाई पेट्रोल पंप है नहीं, ऊपर से ऑनलाइन नहीं ले रहा है पेमेंट, बताओ यार मतलब ऐसा घटिया जगह पेट्रोल क्या बोले भाई। गाइस अपना फ्यूल अप हो चुकी है, लाइक देख सकते हो 260 किलोमीटर शो कर रहा। और सामने एक साइड देखो ना तो मार्केट का कुछ सीन अभी ऐसा है, लाइक इस टाइम देख रहे हो कितना खाली खाली सा लग रहा है ना, बट सुबह के टाइम देखोगे ना भाई इतना कंजेस्टेड लगेगा ना भाई मार्केट एकदम, बहुत ज्यादा जब मार्केट सेट हो जाती है ना तो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है गाइस, और जाम भी काफी ज्यादा लग जाती है, क्योंकि पिछला बार बहुत ज्यादा जाम लगी थी, बट इस बार तो कुछ पता ही नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि अभी रात में ही निकल रहे हैं ना अपन लोग कंटिन्यू भाई, कहीं पे स्टॉपेज नहीं है, बस 1/2 घंटा 20 मिनट 1 घंटा ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकलते जा रहे हैं। सीन देख रहे हो भाई क्या ही मस्त वाला सीन लग रहा है ना, मतलब लग रहा है कि यार अभी अपन लोग लखनऊ में है ऐसा मतलब लग रहा है। प्लस इधर के साइड देखो ना तो भाई मतलब काफी अच्छा सा लग रहा है एकदम सीन, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा सीन आ रहा है। और सामने से देखो ना तो कुछ अलग सा ही माहौल लग रहा है, मतलब देख रहे हो सुबह के टाइम में सारे लोग रनिंग कर रहे हैं, प्लस रोड का जो सीनरी है ना गाइस वो बहुत ही पसंद आ रहा है अपने को, प्लस इधर के साइड राइट साइड देख रहे हो इधर कुछ अलग सा ही लग रहा है देखने को। तो भाई ये सब तो मिलता ही रहेगा, फिलहाल अभी आगे की तरफ चलते हैं अपन लोग। पीछे की साइड देख रहे हो यार भाई क्या ही भयानक वाला सीन लग रहा था यार, मस्त वाला। और यहाँ पे देखो ना तो संत बाबा आसू धर्म मार्ग ऐसा इस जगह का नाम था, आसू धर्म मार्ग है ये देख सकते हो। दोबारा अपने को रिटर्न आनी पड़ी ना, क्योंकि गाइज मतलब उधर ना पेट्रोल पंप कोई भी नहीं था, तो अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस से बैक रिटर्न आके अपन लोग इधर HP से पेट्रोल लिए, क्योंकि भाई मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे शो कर रहा था 150 किलोमीटर के आसपास, तो इसी कारण से बिना रिस्क लिए हुए अपन लोग पहले ले लिए पेट्रोल। और फिर देख सकते हो अभी 690 भाई 710 शो कर रहा था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला है और 690 शो कर दिया भाई, 20 किलोमीटर घट गया ऐसे ही मात्र 1 किलोमीटर में। गाइस अभी अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ ना एंट्री ले चुके हैं, लाइक अभी पूरा कम्प्लीटली नहीं चढ़े हैं लेकिन एंट्री स्टार्ट हो चुका है अपना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग ना मेरे को कमेंट करके बताओ कि पूरा इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे top 3 एक्सप्रेसवे का नाम बताओ। सो गाइस ये देखो भाई जो भी top 1 top 2 पे है ना वो शायद 1000 किलोमीटर के आसपास का लंबा होगा वो एक्सप्रेसवे। और अभी अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने वाले, और इसका लंबाई लेंथ मानो ना टोटल एक्सप्रेसवे ये है ना अपना पूर्वांचल, उसका लंबाई मानो तो 340 किलोमीटर लंबा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ से ना गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर एक्सप्रेसवे की तरफ रन करते हैं गाइस। और फिर ये अपना 6:10 हो रखा है, और फिर यहाँ पे किलोमीटर देखो तो 24,484 किलोमीटर 700 अभी भी शो कर रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है ये एक्सप्रेस वे क्रॉस करने में, प्लस इसका टोल प्लाजा में रेट कितना लेता है वो भी पता करके आपको बताएंगे लास्ट में गाइस। फाइनली गाइस अपना वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आप लोग देख सकते हो ये लिखा हुआ भी है, तो आपका स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो अपन लोग एंट्री ले चुके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे गाइस, और आगे की साइड देखते हैं टोल प्लाजा कितना आता है टोल प्लाजा, और फिर कितना इसका फेयर चार्ज आता है ना, प्लाजा का टैक्स कितना आता है ना वो भी आपको बताएंगे। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कुछ ऐसा है एंट्री के साइड, और साइड साइड का व्यू देखो ना तो गाइस कुछ अजीब सा एकदम मस्त सा व्यू आ रहा है, क्योंकि अभी फॉग सा लग रहा है ना खेत में, इसी कारण से ऐसा वाला व्यू आ रहा है। और इधर के साइड देखो ना तो बस ये सब काफी सारा कुछ चल रहा है, और अपना 4-व्हीलर रनिंग में है ना इसी कारण से थोड़ा बहुत अपना टिल्ट कर रहा होगा फोन गाइस, थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, बट कोई ना एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना किलोमीटर का होता वो तो आपको मैंने बता दिया, 340 किलोमीटर का ये है अपना,
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टोटल लंबाई लेंथ इसका 340 किलोमीटर का। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है 340 किलोमीटर क्रॉस करने में। और ये देख लो 6:14 में भी अपन लोग एंट्री ले चुके हैं अंदर के साइड। दिख रहा कितना ज्यादा फॉग है, ये लो देख लो भाई फॉग दिख रहा है रोड पे, बिल्कुल ही फॉगी फॉग दिख रहा है। फोन में उतना नहीं दिखता होगा बट सामने से ऐसे देखोगे ना तो लेंस और सामने का जो फ्रंट व्यू होता है ना, खुद का आंख का रोशनी का व्यू, वो गाइस काफी कुछ अलग दिखाना चाहता है। आज अभी अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे है और फिर यहाँ का नजारा देखो ना तो भाई काफी अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक सा लग रहा है। लाइक वहाँ पे देख रहे हो छोटा सा एक घर है, वहाँ पे ऊपर कुछ लोग चल रहे हैं छत पे, और फिर उधर का फॉग देखो ना तो काफी अलग सा ही फॉग लग रहा है। प्लस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे ना बहुत ही कम ही व्हीकल्स चलती है, ज्यादातर हेवी व्हीकल्स ही चलती है। लाइक देख सकते हो सारा हेवी व्हीकल्स, फोर व्हीलर सब ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि ये ना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ना काफी ज्यादा कॉस्टली है, काफी ज्यादा यहाँ पे ना टैक्स कटता है। जो भी 340 किलोमीटर फुल ड्राइव करते ना तो 1000 रुपया के आसपास, 1200-1400 के आसपास टोटल कटता है। बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 1400 या फिर 1200 1000 रुपया कटता है इसका जो भी टोल प्लाजा होता है, बट हमने तो अभी गेस नहीं करा है। पिछला बार आए थे ना तो उसको हमने कैलकुलेट नहीं करा था, बस कटता ही चला गया था ऐसे ही, अपन लोग फोकस नहीं किए थे। तो इस बार ना प्रॉपर फोकस करेंगे और आपको पूरा डिटेल में बताएंगे गाइस कि कितना टैक्स कटा है, कितना टोल प्लाजा का कितना पैसा कटा है, वो आपको फुल डिटेल में बताएंगे, सारा कुछ A to Z बताएंगे गाइस। क्योंकि 340 किलोमीटर तय करना गाइस मतलब समझ सकते हो, तो टोल प्लाजा भी उसी का किलोमीटर के हिसाब से ही लेगा ना, वो भी डिस्टेंस का पैसा। वाली वीडियो ना काफी ज्यादा लंबा होने वाली है, क्योंकि यार फुल डिटेल्ड में वीडियो बना रहा है ना तो लंबा तो होगी ना, तो लंबा होगा वीडियो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना गाइज, क्योंकि फुल डिटेल्ड में बना रहे हैं। प्लस आप लोग समझ सकते हो 1200 किलोमीटर तय करके अपन लोग बिहार जा रहे हैं दिल्ली से, तो गाइज लंबा तो होगी ना वीडियो, प्लस डिटेल्ड में बता रहे हैं तो लंबा तो होगी। तो बस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट ही करते गाइज, लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे है और यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि आगे की तरफ नहीं जाएंगे ना तो भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो आगे की ओर जाते हैं गाइज। गाइज 2 किलोमीटर बाद अपना टोल गेट स्टार्ट हो रही है, तो एंट्री लेने के बाद ना 2 किलोमीटर अंदर आओगे ना उसके बाद अपना टोल प्लाजा स्टार्ट होगी और एग्जिट वही 340 किलोमीटर बाद, मतलब 38-36 किलोमीटर के आसपास उसके बाद एग्जिट होगी। तो अभी देखते हैं, फिलहाल एंट्री लेते हैं उसके बाद फिर एग्जिट करेंगे ना, उस टाइम आपको दिखाएंगे कितना पेमेंट कटता है। गाइज टोल टैक्स के पास आ चुके हैं, टोल प्लाजा के पास, भाई मतलब टैक्स बोलने का ना आदत हो चुका है। तो अपना ये फाइनली टोल प्लाजा आ चुका है और यहाँ फर्स्ट एक काम करती है गाइस, स्टॉप पे टोल। अच्छा ऐसा है, तो चलो भाई हम भी टोल पे कर देते हैं यार। तो ये अपना टोल प्लाजा, पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है गाइस। यहाँ पे कितना कटता है ना, वो तो कटेगा नहीं, अभी बस एंट्री लेगा, कटेगा तो आगे में कटेगा। सो यहाँ भी कटेगी गाइस, गो टेस ओके। तो यहाँ भी कटेगी और उधर भी कटेगी, एग्जिट करेंगे ना उस टाइम भी कटेगी। तो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ना आपको पता चलेगा कि कितना टोटल कटती है अपना टोल प्लाजा का ये। फाइनली गाइस अभी अपन लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एक जगह रुके हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतजाम है बट यार कोई रेस्टोरेंट ये सब कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे ना होटल टाइप का जो बस आती है ना वो यहाँ पे रुकती है, वॉशरूम ये सब यूज करती है, खाती है और फिर निकलती है। तो यहाँ का वॉशरूम भी काफी ज्यादा गंदा है गाइस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अपना फोर व्हीलर और इधर ट्रक और आगे की साइड देखो ना तो सिर्फ बस ही बस यहाँ पे दिखेगी, जो कि इतना गंदा कर रखा है ना वॉशरूम गाइज की बता ही नहीं सकते। अभी हम ना आपको आगे जाके दिखाते हैं गाइज कैसा वहाँ पे सारे लोग कैसे आके रह रहे हैं। लाइक देख सकते हो भाई का टायर पंचर हो गया गाइज, ये देख लो भाई कुछ ऐसा है, मतलब देख रहे हो सारा बस जो भी आता ना वो बस वाला ही यहाँ पे सारा पैसेंजर है। और अंदर ना बहुत ही ज्यादा किचपिच है गाइज, बहुत ही ज्यादा, मैं अभी गया ना अंदर भाई बेकार था एकदम। तो बस कुल्ला ये सब करना है अपने को थोड़ा बहुत, उसके बाद कुछ खाते पीते क्योंकि भूख तो काफ़ी जोरों से लगी है। लाइक समझ ही सकते हो कितना भूख लग चुका होगा। और फिर यहाँ पे देखो ना तो कुछ ऐसा सीन है, ये देख लो कितने सारे लोग हैं, सारे लोग बस से, अभी ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है ना इसी कारण से सारे लोग बस से ही भाग रहे हैं बिहार, तो सारे लोग उधर ही जा रहे हैं बिहार की तरफ। और कुछ भीड़ अंदर के साइड ना बहुत ही गंदा वाला भीड़ है गाइस, बहुत सामने एक साइड दिख रहा है देख लो, वहाँ पे 3 TV टाइप का दिख रहा है ना 4, वहाँ पे ना मेरा गाड़ी का स्पीड दिखाएगा, आप लोग देखना कैसा स्पीड दिखाएगा, कितना स्पीड चल रहा है ना अपना कार, वो वाली स्पीड दिखाएगी ऊपर में, देखना अभी ये देखो स्पीड दिखाया
भाई सो नहीं कर रहा अभी स्पीड इस टाइम, हमेशा ना पीछे से हमेशा स्पीड शो करता था बट इस बार शो नहीं करा, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा। प्लस आज अभी ना पूर्वांचल एक्सप्रेस का कुछ आ गया है ना तो कुछ सीन भाई काफी अच्छा वाला सीन लग रहा है, लाइक ये वाला ना मेरे को लग रहा है हॉलीवुड टाइप का सीन, देख रहे हो भाई एकदम रोड मस्त मस्त वाला एकदम जा रहा है। प्लस इधर का घास का एरिया देखो ना तो काफी अच्छे से लग रहा है घास का एरिया, और ये अपना फोर व्हीलर, और इधर से देखो ना तो ट्रक ये सब, मतलब बहुत खाली खाली सा लगता है यार, बहुत लेट लेट से कोई भी व्हीकल्स क्रॉस करती है। फाइनली गाइस अभी अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस खत्म होने वाला है, लाइक सामने एक साइड देख सकते हो टोल टैक्स आ चुका है टोल प्लाजा, और टोटल 300 अभी अपन लोग कितना किलोमीटर चल रहे हैं अराउंड मानो ना तो 335 या फिर 36 किलोमीटर चले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और उसके आगे देखो ये टोल प्लाजा आ चुका है बिल्कुल ही 500 मीटर के अंदर में ही, तो ये देख सकते हो ये अपना टोल प्लाजा है, यहाँ पे देखते हैं कितना पैसा कटता है। इसके बाद ना थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो अपन लोग बक्सर में एंट्री ले लेंगे, उसके बाद बेहटा सरमेरा वाला रूट से अपन लोग डायरेक्ट बिहार शरीफ की तरफ जाएंगे। तो टोटल मेरे को ना अभी डिस्टेंस की बात करो ना तो अभी टोटल डिस्टेंस यहाँ से मेरा बिहार शरीफ तक का है नहीं भी मानो तो 210 या फिर 205 किलोमीटर बच रहा है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। प्लस ये टोल टैक्स पे ना कितना पेमेंट करता है ना वो भी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस का। ये देख सकते हो गाइस 335 किलोमीटर अभी है तो 5 किलोमीटर और होगा ना तो टोटल 300 समथिंग हो जाएगा, मतलब 400 मतलब 340 पूरा हो गया हो जाएगा, मैंने बोला था ना 340 के आसपास। और भाई ये तो इधर वाला बना ही नहीं है अभी, मतलब इधर वाला स्टार्ट नहीं हुआ, अरे कोई नहीं स्टार्ट है इधर से ले लो ना साइड से। सो भाई ये लो यहाँ भी फास्टैग ऑन है और ये देख सकते हो अपना ऑन हो चुका स्टार्ट हो चुका, अभी कितना कटा है ना पेमेंट वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ देख के। सो गाइस ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ना आप लोग चढ़ोगे ना 340 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल इसका, तो आप लोग एंट्री लोगे उसके बाद 335 किलोमीटर के बाद ना आपका टोल प्लाजा आएगा, और फिर वहां पे टोटल काउंट करो ना तो 340 किलोमीटर का डिस्टेंस वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपको टोल टैक्स में 750 रुपये का जाएगा आपका कटेगा टोल प्लाजा में, तो हमारा तो 750 रुपये कटा है। प्लस इधर के साइड देखो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, और अभी खत्म नहीं हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी आगे है क्योंकि मैंने बोला ना 335 किलोमीटर पहुंचे उसके बाद अपना टोल प्लाजा आ गया। गाइस टाइम देख रहे हो 12:47 हो रखा है, और अभी बक्सर यहाँ से 2 किलोमीटर उधर देख रहे हो बालिया और बक्सर दोनों 2 किलोमीटर आ गए है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप ये देख लो बलिया और बक्सर 2 किलोमीटर आ गया है, तो अब खत्म होने वाला है अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सो गाइस देख रहे हो धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है, थैंक यू प्लीज विजिट अगेन, तो एक्सप्रेस वे को करते हैं बाई बाय बाय एक्सप्रेस वे, या फिर राइट किधर से जानी वो भी अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो गाइस मैप में लेफ्ट दिखा रहा था बक्सर इधर से ही है, तो अपन लोग यमुना ये वाली ना अपन लोग एग्जिट कर दिए, लाइक ये वाला अपना था ना क्या बोलते हैं ना इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अपन लोग छोड़ चुके हैं, और फिर यहाँ से अपन लोग बक्सर का रूट में घुस चुके हैं, तो भाई अभी देखते हैं ये वाली रूट किधर जाती है वो वाली देखते हैं, उसके बाद आपसे भाई बक्सर का थोड़ा मार्केट में मिलते हैं क्योंकि बक्सर का मार्केट ना काफी ज्यादा इस टाइम भीड़ होगा जाम बाम होगा क्योंकि 1 बजने को देख सकते हो भाई, मतलब जो भी बोलो यार नजारा काफी तगड़ा वाला लग रहा है यार, ये देख रहे हो भाई व्यू क्या ही मस्त वाला आ रहा है ना, तो अभी यहाँ से भाई काफी थोड़ा सा यू टाइप का टर्निंग है, इधर से जाओ यू ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ ऐसा वाला टर्निंग आ रहा है। बिहार में और फिर ट्रैक्टर ना दिखे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा बिहार है भाई, तो यहाँ पे ट्रैक्टर आगे जा रही थी टेम्पो जा रही है बाइक देखो भाई डीएल वाली बाइक, तो ये अभी ना यूपी में ही है तो बोले ना आधा बक्सर तो भाई मतलब बॉर्डर में ही चला जाता है, तो अभी यूपी में इसको मान सकते हो, तो अभी मैं यहाँ पे ड्राइव करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना काफी ज्यादा रस हो जाएगी, तो इसके कारण मैं ही ड्राइव करूंगा क्योंकि एक मेरे साथ है जो कि अभी नौसिखिया इंसान है, और आगे साइड देखो ये ट्रैक्टर और खेत जुताई होके जा रहे हैं गाइस, ये देख सकते हो ये ट्रैक्टर अपना कार में आओ और फिर ब्रेकर से स्वागत ना हो ये तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, लाइक देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकर एक नहीं दो दो ब्रेकर भाई एक बार में देख रहे हो, ये भाई एक ब्रेकर ये दो ब्रेकर, ओ भाई साहब मतलब बिहार में आओ और फिर दो ब्रेकर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पीछे के साइड भी दो दो ब्रेकर था
आगे की साइड आए एक और दो दो ब्रेकर, और सामने की साइड देखो ना तो पतला सा रोड, और देख लो इसी में सारे लोग कितना हैवी ड्राइवर है ना, कितने मौज तरीके से कार चला रहे हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर थ्री व्हीलर सारा कुछ चला रहा है, और ये देखो अपना साइकिल वाले अंकल जी। तो इतना पतला रोड में ना कोई कार या फिर टू व्हीलर ये सब चला सकता है, सिर्फ बिहारी ही चला सकता है गाइज, और कोई नहीं। अगर ऐसा कोई और चला सकता है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना कौन चला सकता है। गाइज ऊपर की साइड देख सकते हो पटना 125 किलोमीटर 75 किलोमीटर आ रहा, और बक्सर देख लो गाइज 4 किलोमीटर। तो यहाँ से अपना स्टार्ट हो गया बिहार गाइज, पीछे की साइड ना बलिया गाजीपुर ये सब था। तो अभी बलिया छोड़ के अपन लोग बिहार में एंट्री ले चुके, लाइक बिहार अभी इसको नहीं बोल सकते। ये देख रहे हो गंगा रिवर आगे की साइड, ये वाली देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ना चेकिंग होगी, बॉर्डर आएगी ना, उसके बाद अपना मेन बिहार में एंट्री होगा गाइस। एक बार और देख लो यार, पीछे के साइड चेक पोस्ट था, वहां पे भाई मतलब फैमिली को देखता है ना तो कुछ नहीं बोलता, वरना यार चेकिंग पूरा होता तगड़ा वाला। तो अभी तो अपन लोग आगे की साइड आ चुके हैं, लाइक यहाँ से अपना एंट्री स्टार्ट हो गया, स्वागत भी कर दिया अपने को, और यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है क्योंकि राइट साइड तो जा नहीं सकते, तो लेफ्ट साइड ही जाना है ना, तो लेफ्ट साइड चलते हैं। और फिर यहाँ पे देखो भाई आलू प्याज भाई ऐसा ऐसा पैकिंग हो रहा है, क्या सीन है भाई। तो ये देखो इसीलिए तो गर्व से बोलते हैं ना अपन लोग, गर्व से बोलो हम बिहारी हैं। आओ बिहार भाई आओ, बहुत कुछ दिखाना बिहार का, जो भी बिहार से नहीं देख रहे हो ना प्लीज एक बार बिहार आओ, आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अपन लोग ना आरा बक्सर रोड पे आ चुके हैं, लाइक इसको हाईवे बोल सकते हो, एक्सप्रेस वे तो नहीं, हाँ एक्सप्रेस वे भी बोल सकते हो, बट हाँ ये आरा बक्सर वाला ये रोड है जिससे अपन लोग जा रहे हैं, और इस पे स्पीड भी नोटेड किया हुआ है इसकी, 100 का स्पीड से नहीं जाना, 100 का ऊपर से, और जो बस ट्रक होती है ना उसको 80 का स्पीड दिया हुआ है, 60-80, और हमारा जो फोर व्हीलर सब का है उसका 100 का स्पीड दिया हुआ है। और सामने की साइड देखो ना तो फ्री प्लाजा, फी प्लाजा भाई मेरे को लगा फ्री प्लाजा, फीस प्लाजा आगे आगे की ओर है भाई, यहाँ भी टोल टैक्स कटेगी यार, हर जगह यार टोल प्लाजा डाल दिया यार, क्या सीन है भाई। तो चलो देखते हैं यार कितना टोल प्लाजा यहाँ पे कटती है, और लास्ट फाइनल भी तो आपको बतानी है ना, तो पटना वाला टोल प्लाजा तो अपने को जानी है नहीं, तो अपन लोग पटना का हटा के आपको टोल प्लाजा का टोटल रेट बताएंगे गाइस, वो भी बिहार से पहुंचने के बाद, प्लस डिस्टेंस बताएंगे आपको, और कितने बजे निकले थे वो तो आपको पता है, और टोटल टाइम कितना लगेगा वो भी आपको बताएंगे गाइस। तो बस वीडियो में बने रहना, और जो भी बिहार से नहीं हो ना, बिहार आना चाहते हो ना, और बिहार फोर व्हीलर से नहीं आना चाहते हो ना, तो मेरा वीडियो के थ्रू आ जाओ, वीडियो को देख लो, और जो जो नहीं देखे हो ना बिहार को भाई प्लीज शेयर कर दो अपनी फ्रेंड को, जितना जल्दी शेयर कर दो सारे लोग देख लेना बिहार कैसा है, बिहार कितना अच्छा जगह है, तो जल्दी से शेयर कर देना गाइस। और फिर ये अपना टोल प्लाजा आ चुका है, तो ये लोग गाइस अभी तो आ चुके अपन लोग टोल प्लाजा के पास, और देख रहे हो ट्रक वाला भाई बहुत जल्दी कट गया इसका टोल टैक्स, और अभी यहाँ पे देखो ना ये अपना कटेगा, अब ये लोग गाइस ये भी कट गया। सो भाई मतलब फास्टैग का बहुत बड़ा मैजिक है गाइस, बहुत गाइज ये देख सकते हो ये अपना बिहार में एंट्री ले चुके, और फिर यहाँ का नजारा देखो ना खेती का, तो गाइज कुछ ऐसा सीन है भाई, आप लोग का दिल्ली में यार कमेंट करके बताओ ऐसा नजारा देखने को कहीं मिलता है क्या, अगर ऐसा नजारा देखने को भी मिले ना तो दिल्ली वाले तो यार तुरंत से अपना सोसाइटी बनाना स्टार्ट कर देंगे, बट हमारे तरफ देखो यार फ्री नेचर एकदम पूरा टोटली फ्री, यहाँ पे धान का खेती है, उधर के साइड देखो ना तो उधर भी धान का खेती है, चारों तरफ खेती खेती है। और अभी अपन लोग ना रानी सागर के पास है, यहाँ से 150 किलोमीटर अपना बिहार शरीफ है नालंदा जिला, तो फिर भी यार पूरा बिहार में एंट्री ले चुके, तो बिहार अपना घर ही है गाइस, और फिर हम लोग तो गर्व से बोलते हैं यार हम बिहारी हैं, क्योंकि यहाँ का जो आपको मौसम मिलेगा ना देखने को वो आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हाँ मिल सकता है जहाँ पे नेचुरल है ना, नेचुरल चीज है ना वहाँ पे मिलेगी, बट हाँ शहर में आपको नहीं मिलेगी गाइज, लाइक दिल्ली मुंबई ये सब चले जाओगे ना तो वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इधर का इन्वायरमेंट देख रहे हो भाई, धूप भी इतना हार्ड है ना, फिर भी हम लोग कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग इस धूप में ना ढल चुके हैं, लेकिन जो शहर के है ना मुंबई दिल्ली ये सब के है ना वो सब नहीं ढल पाएंगे भाई, गर्मी झेल नहीं पाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं अपन लोग नालंदा की तरफ, बिहार शरीफ की तरफ, इतना कुछ दिखा दिए और अभी डायरेक्ट आपको बिहार शरीफ की तरफ मिलते हैं। देख सकते हो यार ये बंदर भाई साहब ये कैसे देख रहा भाई, अरे माई रे माई भाई मतलब देख रहा हो ये देख लो गाइज, मतलब कैसे पूरा बंदर ही बंदर है भाई सारा जगह देख रहा हो, रुक जाओ इसको बिस्किट दे देते हो गाइज, थोड़ा सा विंडो खोल दीजिए ले बिस्किट गाइज, ये देखो बिस्किट ले लिया
भाई सॉरी फेंक दिए यार, बिस्किट को फेंकना नहीं चाहिए था भाई, मतलब इतना प्यार से लोग खाता है ना, डर भी लग रहा था ना अपने को, इसी कारण से बिस्किट फेंक दिए यार, क्योंकि काफी सारा है ना यहाँ पे, ये देख लो भाई, मतलब बीच रोड पे आवाजाही करते हैं, इधर ना कभी आएंगे ना तो इनके लिए फल लेके आएंगे हम लोग, केला ये सब लेके आएंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था इधर भी बंदर रहते हैं, तो कभी आएंगे ना अपन लोग तो इसके लिए केला लेके आएंगे स्पेशली गाइस, क्योंकि यार मतलब जानवर लोग को ना जो अनबोलता चाहिए होता है ना उनको खिलाना चाहिए भाई, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर केला ये सब लेके आएंगे फ्रूट से सब इनके लिए स्पेशली। ये देखो पेड़ पे भाई, देख रहे हो ये देखो कैसे उतर रहा है पेड़ पर से, क्या भाई क्या बात है यार, मस्त लग रहा है यार। गाइस अभी अपन लोग अंदर एंट्री ले चुके हैं रिंग रोड पटना में ऐसा बोलते हैं, और ये दनियावा का रूट है, लाइक अगर सामने अगर अगर चले जाएंगे ना एकदम तो डायरेक्ट दनियावा चले जाएंगे बेटा सर मेरा रूट से, और काफी चौड़ा सा रोड है गाइस आप लोग देखना, और फिर डायरेक्ट दनियावा पहुंच जाएंगे, उसके बाद अपन लोग फिर नगर नौसा चंडी नूरसराय और फिर अपना बाईपास 17 नंबर गाइस। उस टाइम ये सब अच्छा से नहीं बना था, जो फ्लाईओवर ऊपर देख रहे हो ना बना हुआ, ये वाली बना हुआ नहीं थी, लाइक अपन लोग यहाँ से नीचे के साइड से जाते थे, और अभी अपन लोग फर्स्ट टाइम ऊपर के साइड से जा रहे हैं बनने के बाद, लाइक 3 साल पहले ही अपन लोग इधर से जाते थे, बहुत ज्यादा क्रॉसिंग किए थे आगे पीछे भाई, बहुत बार इधर उधर किए थे अपन लोग, तो देख सकते हो गाइस कैसा रोड बन के रेडी हो चुका है ना, ये आप लोग खुद देख सकते हो भाई। उस टाइम अपन लोग वीडियो पे उतना ध्यान नहीं देते थे ना इसी कारण से 3 साल पहले, और ये देखो अपना सूर्य भगवान जो कि सूर्यास्त अब कुछ ही घंटों में होंगे, और यहाँ पे देखो भाई मतलब नीचे के साइड देख रहे हो क्या ही मस्त वाला सीन लग रहा है, ये देख लो भाई भाई मतलब खेती देख रहे हो इधर का, क्या ही मस्त वाला खेती लग रहा है ना आपको, ये देख लो कुछ ऐसा सीन है खेती का, और सामने की साइड इधर की साइड रूट देखो ना तो भाई मतलब क्या ही जबरदस्त वाला सीन आ रहा है, इधर की साइड देखो भाई ये देखो कैसा मस्त वाला सीन आ रहा है, देख सोच रहा था ना कि भाई बिहार में मतलब अपना टोल प्लाजा सबसे कम है, लेकिन भाई मैं ना छपरा से क्या बोलते ना जब मैंने एंट्री लिया ना बक्सर से, वहां से ये 3रा टोल प्लाजा है गाइस, मतलब इतना टोल प्लाजा बन चुका है ना कि भाई सोचो ही मत, हर एक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा मिल रही है, और ये देखो अभी यहाँ पे यहाँ से 25-30 किलोमीटर के बाद अपना दनियामा आएगी, और यहाँ पे एक टोल प्लाजा है गाइस, आप देख सकते हो कैसा टोल प्लाजा है, देख रहे हो ना, तो चलो देखते हैं यहाँ भी टोल प्लाजा कटाते हैं गाइज, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो, ये कट चुकी है गाइज अपना टोल प्लाजा, और यहाँ से भी अपन लोग निकल चुके हैं। सो भाई इतना टोल प्लाजा भाई मतलब मैं सोच रहा था ना सिर्फ यूपी ही इतना टोल प्लाजा ले रहा है, बट अपना बिहार भी कम नहीं है भाई, बिहार को भी चाहिए तो ये भी टोल प्लाजा, चलो सही है यार, इतना सड़क बना है तो सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना, तो ये सही है, चलो कम से कम विकसित होगा तो टोल प्लाजा तो लगेगा ही ना। फाइनली गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं दनियावा, और फिर ये दनियावा का देखो ना तो ये अपना पेट्रोल पंप है दनियावा का, और सामने के साइड इधर के साइड देखो अपना रेलवे पटरी जो कि क्रॉस होती है यहाँ से रेलवे स्टेशन, आगे एक साइड रेलवे दनियावा बाजार होगा, और फिर उससे आगे ना रेलवे स्टेशन होगा दनियावा, ये देखो दनियावा और हिलसा दिख रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसा ऐसा ट्रक लगा देता है ना भाई की बता ही नहीं सकते गाइज। दनियावा है ना जहाँ पे बहुत ही फेमस, यहाँ मछली और चावल के नाम से प्रसिद्ध है, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, वैसा कुछ पहले की तरह नहीं खिलाया जाता है, जैसा कि बहुत सारे लोग बताएं कि भाई पहले का बात ही कुछ अलग था, अब यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये देखो हमारा बिहार में आए और फिर ऐसा छत का भीड़ ना देखे भाई तो ये हो ही नहीं सकता, ये देख रहे हो छत के ऊपर कैसे बैठा हुआ है, ये भाई आपको ना बिहार में ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि यार कुछ लोग को ना नीचे अनकंफर्टेबल फील होता है सीट पे, तो वो लोग ना ऊपर छतरी पे चले जाते हैं, बोलते भाई मेरे को ना छतरी पे ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा मजा आता है, इसी कारण से, जैसा कि देख सकते हो ये वाली बस भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी नीचे खाली ही है अंदर के साइड, और ऊपर के साइड चले गए कुछ लोग, क्योंकि कुछ मेरे को भी कभी कभी ऐसा फील होता है ना सफोकेशन टाइप का फील आती है अंदर के साइड, जब अंदर चले जाएंगे ना तब सफोकेशन टाइप का फीलिंग्स आएगी, बट बीच में थोड़ा सही रहता है, आगे थोड़ा सही रहता है, देख रहे हो कैसे चढ़ा रहा है ये गाड़ी, यही सब के कारण ना भाई एक्सीडेंट होता है, तो बोलता है एक्सीडेंट हो रखा है भाई, अपना लेन में चलो ना यार, पूरा ओवरटेक करके चढ़ा रखा है, और ज्यादातर ना ये थोड़ा जो स्कॉर्पियो सब टाइप की कार होती है ना, प्लस जो ट्रक और फिर बस होती है ना, वो सब ज्यादा ऐसे ओवरटेक करते हैं। लीगा जब अपन लोग नगर नौसा से आगे आ गए, और यहाँ पे अपन लोग चंडी मार्केट, लेकिन इधर से नहीं जाएंगे, आपको एक शॉर्ट रूट बताते हैं,
जो कि डायरेक्ट फोर लाइन से चला जाता है भाई साहब। ओरे भाई साहब ब्रेकर, इधर से ना आप लेफ्ट आओगे ना तो ये वाली डायरेक्ट फोर लेन चला जाएगा, एकदम डायरेक्ट आपको नूरसराय की तरफ लेके चला जाएगा। तो फाइनली गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं नूरसराय मार्केट, और यहाँ पे जाम देखो ना, तो यहाँ पे हमेशा से जाम लगती है गाइज, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है, क्योंकि यहाँ से दो रूट निकलती है ना, एक थरथरी के रास्ते हिलसा वाला रूट चला जाता है और फिर एक सामने बिहार शरीफ का रूट चला जाता है, इसी कारण से यहाँ पे जाम लगती है। इस तरफ जाओगे ना राइट साइड तो आपको थरथरी का रूट निकलेगा, तो इसी कारण से जाम लग जाती है। सो अभी ये तो मार्केट है, मार्केट का सीन कुछ ऐसा है गाइस, और फिर ये देखो बस पटना जा रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो 25,025 किलोमीटर हो रखा है और अभी 6 बजे है, और फिर ये सामने एक साइड देखो ना तो ये 17 नंबर बाईपास है। लाइक अपन लोग दिल्ली से 17 नंबर बाईपास आ चुके हैं, और फिर इसका टोटल किलोमीटर मानो ना तो मैंने 23,933 पे स्टार्ट किया था, और फिर ये अभी 25,025 किलोमीटर है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो कितना डिस्टेंस हुआ, बाकी मैं आपका इसका फेयर कितना चार्ज लगा सारा कुछ वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे ना भाई जाम उम लग जाएगी, प्लस नाइट का टाइम हो चुका है ना, तो पहले घर चलते हैं और फिर घर पे आपको ना सारा कुछ, सारा लोकेशन टोटल डिटेल में आपको बताएं कितना पैसा लगा और फिर टोटल कितना किलोमीटर चला, वो भी सारा कुछ बताने वाले। तो बस वीडियो में बने रहना, क्योंकि यहाँ से ना मेरा गाँव तकरीबन नहीं मानो तो 5-7 किलोमीटर के आसपास है, तो बस 25,025 तक का ही अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपन लोग न्यू दिल्ली से डायरेक्ट 17 नंबर बाईपास तक का ही अपन लोग लिए थे, तो यहाँ तक का ही आपको कैलकुलेट करके बताएंगे गाइस। गाइस अभी अपन लोग घर आ चुके, लाइक अपन लोग वहां से 5-6 किलोमीटर थी ना, तो टाइम लगा थोड़ा बहुत आने में, तो अभी फाइनली अपन लोग 7 बजे के आसपास घर आ चुके हैं, और अपन लोग टोटल डिस्टेंस की बात करो ना तो अपन लोग 23,933 किलोमीटर से स्टार्ट किए थे, और अभी अपना गाड़ी में 25,025 किलोमीटर हुआ, मतलब उसको अगर कैलकुलेट करो ना तो 25,025 माइनस 23,933 करोगे ना तो 92 किलोमीटर के अराउंड अपन लोग को डिस्टेंस पड़ा है। तो ये टोटल अपना बिहार शरीफ का डिस्टेंस है, न्यू दिल्ली से बिहार शरीफ तक 17 नंबर बाईपास तक का ये डिस्टेंस है। पटना तक का जाओगे तो थोड़ा सा कम पड़ेगी, लेकिन अपन लोग शॉर्ट रास्ता से आए ना, जैसे अपन लोग आए ना वैसे आओगे ना तो आपको 11,000 के आसपास, 1100 के आसपास ही डिस्टेंस टोटल लगेगी। प्लस टाइम की बात करूँ ना तो मैंने 6:50 में वहां से निकला था, अपन लोग सामने निकले थे 6:50 में, और यहाँ अपन लोग 6:05 पहुंच गए थे। सो मान लो कितना घंटा, 24 घंटा से कुछ कम, मतलब 23 घंटा के आसपास, बट उससे पहले अपन लोग बहुत जगह रुके थे, बहुत जगह स्टे किए थे, खाए पिए थे, मस्ती किए थे। टोटल अगर मान लो ना बिना रुके आओगे ना तो 15-16 घंटा लग गया, तो अपन लोग 15-16 घंटा मान सकते हो, बट हाँ टोटल मानो तो 23 घंटा अपने को लगी है। फिर अपन लोग घर आए हैं, अभी खाए पिए थोड़ा बहुत, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो टोटल टोल टैक्स की बात करो ना तो अपना टोटल 3,000 पड़ चुका है गाइस। मैंने ना टोटल कैलकुलेट करा, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सबसे ज्यादा कटा 700 के आसपास कटा, उससे पहले अपना कटा था 600, और भी पहले ऐसे करके बहुत सारा कटा, 2800-2900 समथिंग कटा टोटल अपना बिहार तक के, यहाँ तक के आने में ना टोटल 2900 रुपया कटा। तो चलो अभी तो अपन लोग घर आ चुके हैं, जो जो भी छठ पूजा में आ रहा हूँ ना घर, वो स्पेशली ये वीडियो को देखना गाइस, क्योंकि ये वीडियो में ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को बहुत शॉर्ट रूट अपन लोग दिखा के लेके आए, तो आप लोग उस रूट से आओगे ना तो आपको किलोमीटर बचेगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, बहुत कुछ बचेगा। तो अभी अपन लोग सोच रहे हैं वीडियो को एंड करने के लिए, सो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय, हैप्पी छठ पूजा आप सभी लोग को, क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन बाद से छठ घाट का भी वीडियो लाने वाले, तो बस वीडियो को ऐसे ही देखना गाइस, और जो भी चैनल पे नए बन रहे हो ना प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय गाइस।